दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। खरगोन जिले के भीकन गांव में एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ जीने मरने की कसम खाकर अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था, जिसके बाद बुधवार खबर मिली कि उसी प्रेमी ने प्रेमिका की दर्दनाक हत्या कर शव को घर के पिछले कमरे में दफना दिया। हालांकि पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भीकन गांव अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला भीकन गांव थाने के ग्राम मोहनखेड़ी का है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका को जान से मारकर अपने ही घर के पिछले कमरे में 3.5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार शाम 4 बजे जांच करने पहुंची टीम ने शंका के आधार पर आरोपित के घर के पीछे के कमरे में खुदाई कराई तो महिला का शव मिला। आरोपित परिवार सहित फरार है। शाम लगभग 4 बजे भीकन गांव पुलिस महिला के परिजन के साथ मोहनखेड़ी पहुंची। यहां पर पुलिस ने परिजनों की बताई जगह पर खोदना शुरू किया। 2 घंटे चली खुदाई के बाद महिला का शव मिला। पुलिस ने जब ग्रामीणों की मदद से खोदना शुरू किया तो एक के बाद एक सबूत मिलते गए, जिससे पुलिस को भी विश्वास हो गया कि उक्त महिला का शव यहीं पर दफनाया गया है। SDOP प्रवीण कुमार उइके ने बताया कि 1 फुट खोदने पर महिला की नथनी मिली, 2.5 फीट खोदने के बाद महिला की चप्पल और कंगन मिले, करीब 3 फीट 5 इंच खोदने के बाद महिला का शव सीने के बल मिला। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या कर शव को बहुत पहले ही खड्डे में दफना दिया गया था, जिससे बदबू बहुत आ रही थी। मृतका छाया पिता भाई राम निवासी भीकन गांव के ग्राम एकतासा निवासी गणेश के साथ में कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी। इसके बाद कुछ समय से छाया पिता के घर भीकन गांव रहने लगी थी। महिला के 2 लड़के हैं, वहीं प्रेमी संतोष पिता किशोर निवासी मोहनखेड़ी भी शादीशुदा है। उसकी पत्नी उसे 3 वर्ष पहले छोड़कर चली गई थी। पिता ने बताया कि छाया 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे बिना बताए घर से चली गई थी। उसकी तलाश करते हुए स्वजन मोहनखेड़ी स्थित संतोष के घर पहुंचे थे। 3 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस मौके पर गई, लेकिन आरोपित के घर कोई नहीं मिला। जांच के लिए SDOP प्रवीण कुमार उइके, थाना प्रभारी जगदीश गोयल, नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, FSL टीम के सुनील मकवाने उपस्थित थे। आज सुबह भीकन गांव हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंप दिया गया। भीकन गांव से हमारे सहयोगी प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। सर, ये मोहनखेड़ी की जो घटना है उसमें क्या क्या है? उसमें क्या है, वो मेरे साले की लड़की थी और वो गई 24 तारीख से घर पे आई नहीं थी। वो मोहनखेड़ी वाले लड़के के साथ में उसका प्रेम प्रसंग था और उसमें क्या हुआ कि वो 2-3 दिन तक आई नहीं। इधर उधर ढूंढा हमने, फिर हमने थाने पर 30 तारीख को रिपोर्ट। सर, आज मोहनखेड़ी में एक घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? कि भीकन गांव की छाया बाई नाम की महिला थी, इसकी गुमनसान रिपोर्ट जो है 3 तारीख को दर्ज हुआ था जनवरी में। इसकी सूचना मिली थी कि कोई संतोष नाम पसंदी है, उसने अपने घर में इसको मारकर गाड़ रखा है, जिस पर अभी पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या प्रारंभिक जांच में क्या किसी प्रकार से शरीर पर निशान मिले हैं क्या, कुछ चोट के? नहीं, अभी तो अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कल इसका PM होगा, उसी के बाद कुछ निश्चय। कुछ जब्त भी किया है क्या, कुछ सामग्री जब्त की है क्या? सामग्री उसके चप्पलें वगैरह हैं और कुछ उसकी चूड़ियां आ रही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।